नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम आपके लिए रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी परीक्षा के लिए क्रैश कोर्स चला रहे हैं। इस क्रैश कोर्स में दोस्तों हम आपको बताएंगे रीजनिंग के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो डायरेक्शन यानी दिशा से लिए गए हैं। दोस्तों, ये दिशा का पार्ट टू है, पार्ट वन पहले करा चुका हूँ। और दोस्तों, हम पार्ट वाइज में जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं, यानी ये सेकेंड पार्ट है, सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन करा रहे हैं, यानी प्रीवियस ईयर के पेपर से क्वेश्चन करा रहे हैं, जिस प्रकार के हमेशा क्वेश्चन आपके रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये रीजनिंग के क्रैश कोर्स का 14वां वीडियो है। और दोस्तों, हम आपकी रीजनिंग की बहुत जबरदस्त प्रिपरेशन करा रहे हैं, आपके 30 में 30 मार्क आएंगे। जैसे जैसे दोस्तों हम आपको बता रहे हैं, वैसे वैसे आप पढ़ते रहिए। चलिए, और आसान तरीका भी बताऊंगा सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। तो आइए देखते हैं पार्ट टू का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न ये रहा दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आसान तरीका बता रहा हूं। पहले प्रश्न को दोस्तों ध्यान से पढ़िए। प्रश्न है दोस्तों, मैं अपने घर से शुरू करके उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता हूं, तत्पश्चात बाईं ओर मुड़कर मैं 5 किलोमीटर चलता हूं, मैं पुनः बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता हूं, मैं अपने घर से कितनी दूरी पर हूं? क्वेश्चन ये है। तो दोस्तों, आपको ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए दिशा का ज्ञान होना जरूरी है। पार्ट वन में हम दिशा ज्ञान आपको बताए थे, दिशा कैसे होती है, इसमें भी एक बार और बता देते हैं ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सके। देखिए, दिशा कौन होता है, चार दिशाएं होती है। ऊपर की तरफ क्या होता है दोस्तों, उत्तर, नीचे की तरफ क्या होता है दोस्तों, दक्षिण, और दाहिने साइड में क्या होता है दोस्तों, पूर्व, और बाएं साइड में क्या होता है दोस्तों, पश्चिम। बस इतना आपको पता है, पहले भी पता होगा और आगे से भी याद रखिएगा। देखिए, अब आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्रश्न में बोल रहे हैं, मैं अपने घर से शुरू करके उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता हूं। उत्तर कहां है? ऊपर है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहां से मान लीजिए इसका घर है, और यानी कि अपना घर कहां है, यहां पे। अब 5 किलोमीटर बोल रहा है कि मैं अपने घर से शुरू करके 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता हूं। उत्तर मतलब ऊपर, ऊपर की ओर चलेंगे 5 किलोमीटर, चल दिए। फिर कह रहा है तत्पश्चात बाईं ओर मुड़कर मैं 5 किलोमीटर चलता हूं। बाईं ओर मुड़ेंगे तो किधर मुड़ेंगे, इधर मुड़ेंगे, और फिर 5 किलोमीटर चल दिए। ठीक है, फिर कितना चल दिया दोस्तों, 5 किलोमीटर चल दिए। ध्यान दीजिए, फिर आगे कह रहे हैं मैं पुनः बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता हूं। फिर बाईं ओर मुड़ेंगे, 5 किलोमीटर चलेंगे तो कहां आ जाएंगे दोस्तों, यहां पे आ जाएंगे। ठीक है, अब बोल रहा है मैं अपने घर से कितनी दूरी पर हूं, तो बताइए यहां से ये जो दूरी है दोस्तों, डॉट 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 ऐसे कर रहे हैं, कितनी दूरी होगी? ऊपर 5 है, दोनों तरफ साइड में भी 5-5 है, तो नीचे भी क्या होगा दोस्तों, 5 ही होगा। कितना होगा, 5 किलोमीटर। देखिए, 5 किलोमीटर किस ऑप्शन में है, तो देखेंगे 5 किलोमीटर सभी ऑप्शन में है, लेकिन क्या है, सब दिशा के साथ दिए गए हैं। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, मैं अपने घर से कितनी दूरी पर हूं, तो घर से कितनी दूरी पर हूं कहने का मतलब है, घर कौन है दोस्तों, ये है घर, ये है, तो यहां से ये किस दिशा में है, यहां बताइए, ये यहां पे है ना, यहां पे, अभी कहां पे है, यहां पे, तो ये किस दिशा में है, तो बताइए, ऊपर की तरफ उत्तर हो जाएगा, नीचे की तरफ दक्षिण, बाएं साइड में दोस्तों क्या होगा, पश्चिम होगा। तो इसका आंसर होगा 5 किलोमीटर पश्चिम दिशा। तो देखिए, 5 किलोमीटर पश्चिम दिशा किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में है। आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रश्न आपका ऐसे ही बना था ना, ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां, अब यहां पे आ गया है और घर से यहां से पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे, यहां पे चार दिशा ऐसे बना लेंगे, जहां से पूछेगा ना चार दिशा बना लेंगे। अब है कहां दोस्तों, ये इस दिशा में है, इस दिशा में है, तो इस दिशा को हम क्या बोलते हैं, इस दिशा को हम पश्चिम बोलते हैं, इसलिए पश्चिम आंसर आया, और दूरी कितना है, 5 किलोमीटर। ठीक है, प्लस बनाएंगे चारों दिशा, वहां से तुरंत क्या हो जाएगा, सो होने लगेगा, दिखने लगेगा। तो चलिए, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट किया है क्वेश्चन, और ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। प्रश्न को पहले ध्यान से देखिएगा, पहले पढ़िए प्रश्न को। प्रश्न है, घड़ी 7:30 यानी 7:30 बजे का समय दिखा रही है, यदि मिनट की सुई पश्चिम दिशा को दिखा रही है तो घंटे की सुई किस दिशा को दिखाएगी? तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे आपको ज़्यादा नहीं कुछ करना है। देखिए, ऐसे एक घड़ी बना लीजिए, ठीक है, सिंपल भाषा में समझा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, 12, 3, 6, 9,
एक दो, फिर तीन हो गया, चार पाँच छः, फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, सात आठ, फिर उसके बाद से नौ है, दस ग्यारह, ठीक है, फिर बारह। समझ में आ रहा है ना, ये चीज़ समझ में आ गया। अब देखिए, बोल कह रहे साढ़े सात, तो साढ़े सात कैसे होता है दोस्तों, साढ़े सात का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो मिनट वाली सुई होगी, ध्यान दीजिएगा, वो कहाँ पे होगी दोस्तों, यहाँ पे होगी, मिनट वाली सुई छः पे होगी, यानी कि नीचे होगी, करेक्ट, समझ में आ रहा है। और घंटे वाली सुई साढ़े सात, यानी सात और आठ के बीच में होगी, यानी कि जो घंटे वाली सुई होगी वो यहां पे होगी, समझ में आ रहा है। यहां पे समझिएगा, ये मिनट वाली सुई है कहां पे होगी दोस्तों, एकदम करेक्ट, छह पे होगी, और जो घंटे वाली सुई है वो किसके बीच में होगी दोस्तों, सात और आठ के। अब देखिए, बोल रहा है यदि मिनट की सुई पश्चिम दिशा को दिखा रही है, मिनट की सुई पश्चिम दिशा, तो देखिए ये, देखिए मिनट की सुई यहां पे क्या है, ये पश्चिम बोल रहा है, तो इसके सामने वाला दिशा कौन सा होगा दोस्तों, ये वाला पूर्व होगा, और इसके ऊपर वाला दिशा कौन सा होगा दोस्तों, ये उत्तर होगा, नीचे वाला दिशा कौन सा होगा दोस्तों, दक्षिण होगा। इतना समझ में आ गया। अब देखिए, अब आपका आंसर तुरंत मिल जाएगा, यहां पे ये पश्चिम है और ये किसके बीच में है दोस्तों, ये जो घंटे वाली सुई है, यही तो पूछ रहा है, ये कहां पे है दोस्तों, घंटे वाली सुई उत्तर और पश्चिम के बीच है, उत्तर और पश्चिम के बीच है, तो उस दिशा को क्या बोलेंगे, उत्तर पश्चिम। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, उत्तर पश्चिम। देखिए उत्तर पश्चिम किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में है, आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और एक बात और बता दूं दोस्तों, आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर भी फटाफट कर दीजिए, और जो नए स्टूडेंट है दोस्तों, अभी तक आप लोग हमसे नहीं जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों आप हमसे जरूर जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि जितनी भी दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट वीडियो दूं उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। दोस्तों हम रेलवे एग्जाम के लिए आपकी बहुत जबरदस्त प्रिपरेशन करा रहे हैं, आगे हम आपकी और जबरदस्त तरीके से प्रिपरेशन कराने वाले हैं, अभी हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराने के बाद दोस्तों हम आपको सारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराएंगे। आपके रेलवे एग्जाम में एक भी प्रश्न ऐसे नहीं होगा जो हम पढ़ाए नहीं होंगे, एक भी बाहर का नहीं आएगा, बस आपको करना है क्या है दोस्तों, मन लगा के प्रिपरेशन करना है, अच्छे से पढ़ाई करना है, ठीक है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन, ये रहा तीसरा क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी पूछा गया प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है, ये तीन से चार बार रिपीट किया है एग्जाम में, आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे तब पता चलेगा। देखिएगा क्वेश्चन ये है, पावनी दक्षिण दिशा की ओर चल रही है, फिर वह बाएं मुड़ती है और पाँच किलोमीटर चलती है, वह फिर बाएं मुड़ती है और चलना जारी रखती है, अब वह किस दिशा में चल रही है। तो यहाँ पे आपको दोस्तों ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे प्रश्नों के लिए सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं, आपको पता है दक्षिण दिशा की ओर चल रही है, बोल रहे हैं ना पावनी दक्षिण दिशा की ओर चल रही है, दक्षिण दिशा की ओर चलने का मतलब मान लीजिए दक्षिण कहाँ होता है, नीचे होता है, नीचे की ओर चल रही है, फिर कह रहे हैं वहाँ से बाएँ मुड़ती है, कहाँ मुड़ती है दोस्तों, बाएँ, बाएँ मुड़ेगी तो यहाँ हो जाएगी, बाएँ मुड़ती है और बोल रहे हैं पाँच किलोमीटर चलती है, तो यहाँ पर मान लेंगे पाँच किलोमीटर। देखिएगा दक्षिण की ओर चल रही है ये जो बोल रहा है, इसमें ये नहीं दर्शाया कितना किलोमीटर चल रही है, तो ऐसे आप चला देंगे जितना मन करे उतना चला दीजिए, फिर बोल रहा है फिर वह बाएं मुड़ती है पांच किलोमीटर चलती है, तो ये पांच किलोमीटर चला दिए, फिर आगे कह रहे वह फिर बाएं मुड़ती है और चलना जारी रखती है, यानी कि बाएं मुड़ती है, यानी बाएं मुड़ती है और चलना जारी रखती है, यानी चलती रहती है, बोल रहे अब वह किस दिशा में चल रही है, यानी कि यह कहां जा रही है दोस्तों, यह ध्यान दीजिएगा, यह ऊपर की ओर जा रही है, कहां जा रही है दोस्तों, ऊपर की ओर, और ऊपर की ओर दिशा कौन सा होता है दोस्तों, बताइए ऊपर की ओर, ऊपर की ओर उत्तर होता है, तो ये कहां जा रही है दोस्तों, उत्तर की तरफ जा रही है, तो देखिए उत्तर किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में है, आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और एक बात और बता दूं दोस्तों, मन लगा के प्रिपरेशन करिए, कहीं पे भी आपको किसी भी प्रश्न में डाउट है या आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, वो भी मैं प्रॉब्लम बहुत जल्द दूर कर दूंगा। और देखिए यहां पे हम आपको अभी बता रहे हैं ना, प्रीवियस ईयर करा रहे हैं, तो इन सभी प्रश्नों को आप नोट भी जरूर किया करिए, साथ में साथ नोट जरूर बनाइए, नोट्स बना लेंगे तो एग्जाम के टाइम पर रिविजन का काम आएगा दोस्तों, एग्जाम के टाइम पर रिविजन कम टाइम में आप कर लेंगे, ठीक है। तो देखिएगा ये चौथा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत आसान तरीका बता रहा हूं सॉल्व करने के लिए, ये रिपीटेड प्रश्न है, प्रश्न को पहले पढ़िएगा ध्यान से दोस्तों, प्रश्न है
एक लड़का उत्तर पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है, फिर 4 किलोमीटर दक्षिण पूर्व की ओर चलता है, शुरुआती स्थान से वह कितनी दूरी पर है? ये क्वेश्चन हम आपको बता दें दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? क्योंकि ये रिपीटेड प्रश्न है, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत से स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर कन्फ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, हम आसान तरीका बता रहे हैं, तो आपको कन्फ्यूज होने की क्या जरूरत है? क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? एक लड़का उत्तर पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए पहले दिशा बना लीजिए। ऊपर क्या होगा? उत्तर। नीचे तो कौन सा दिशा होगा दोस्तों? दक्षिण। साइड में क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे दाहिने साइड में पूर्व। और यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? पश्चिम। समझ में आया? अब देखिए, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या बोल रहा है? उत्तर पूर्व की ओर 3 किलोमीटर। उत्तर पूर्व दिशा कौन सा होता है दोस्तों? ये होता है, ठीक है। यानी कि ये कितना चला दोस्तों? 3 किलोमीटर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, साफ से लिख दे रहे हैं, कितना चला? 3 किलोमीटर। और फिर 4 किलोमीटर दक्षिण पूर्व की ओर। अब यहाँ से दक्षिण पूर्व कैसे पता करेंगे? तो आप क्या करिए, सीधा सीधा ऐसे दिशा बना लीजिए, ठीक है। ऐसे दिशा बना लीजिए, यहां से क्या करेंगे दोस्तों, यहां पे एक बार और समझाता हूं, समझिएगा। दिशा क्या करेंगे? ऐसे इसको सटा के बना लीजिए, ऐसे दिशा बना लिए, समझ रहे हैं ना कैसे? एक बार और समझाता हूं, देखिए दिशा को क्या करना है, इससे सटा के ऐसे प्लस कर देना है आपको, ठीक है। यानी कि ऐसे दिशा, चार दिशा हो गई। बोल रहा है फिर 4 किलोमीटर दक्षिण पूर्व की ओर जाता है। अब यहां से दक्षिण पूर्व कौन सा होगा दोस्तों? दिशा दक्षिण पूर्व दिशा होगा आपका ये, समझ में आ रहा है? दक्षिण पूर्व यही होता है ना, आप देख भी सकते हैं नीचे आपको फिगर में, अब उत्तर हो जाएगा ऊपर, नीचे हो जाएगा दक्षिण, साइड में क्या होगा दोस्तों? पूर्व। तो दक्षिण पूर्व कौन होगा? ये वाला दिशा बोल रहा है दोस्तों, कितना चला है दक्षिण पूर्व की ओर, देखिएगा। दक्षिण पूर्व की ओर चलेगा तो कहां चलेगा? ये वाला दिशा में चलेगा। दक्षिण पूर्व की ओर कितना चलता है दोस्तों? 4 किलोमीटर चलता है। बोल रहा है शुरुआती स्थान से वह कितनी दूरी पर है। शुरुआती स्थान से कहने का मतलब है यहां से यहां की ये दूरी कितनी है, ये पूछ रहा है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यानी कि ये चला है जब उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व मुड़ा है, तो यहां कितनी डिग्री का एंगल बना है? 90 डिग्री पे मुड़ा है। यहां से ध्यान दीजिएगा, ये 90 डिग्री पे मुड़ा है, तो 90 डिग्री पे जब मुड़ा है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका लंब, और ये हो जाएगा आपका आधार, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका कर्ण। तो कर्ण बराबर होता क्या है दोस्तों? कर्ण बराबर क्या होता है? अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है ना, अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो 16 9 जोड़ेंगे तो अंडर रूट में क्या होगा दोस्तों? 25। और अंडर रूट 25 का मान क्या होता है दोस्तों? 5। यानी इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? शुरुआती स्थान से वह कितनी दूरी पे है? आंसर होगा 5 किलोमीटर। ये दूरी क्या आ जाएगी दोस्तों? 5 आ जाएगी। तो देखिए 5 किलोमीटर किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर पहले पे है, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों चलते हैं। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो वीडियो को दोस्तों लाइक शेयर आप जरूर कर दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और चैप्टर वाइज चैप्टर कंप्लीट करा रहे हैं, आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, सारे चैप्टर हम क्लियर करेंगे, कहीं से भी आपका एक भी प्रश्न बाकी नहीं रहने वाला है, अच्छे से आप मन लगा के प्रिपरेशन करिए। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है। देखिए प्रश्न है, एक आदमी 9 किलोमीटर पूर्व की ओर, उसके बाद 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, उसके प्रारंभ और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। प्रारंभ और अंतिम बीच की दूरी, यानी जहां से चला है और जहां पे समाप्त हुआ है वहां की दूरी कितनी है, ये पूछ रहा है। तो ये पूछ रहा है, तो यहाँ पे तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे प्रश्नों को बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते हैं। समझा देता हूं कैसे करना है। बोल रहा है एक आदमी 9 किलोमीटर पूर्व की ओर, देखिए 9 किलोमीटर पूर्व जाएगा तो पूर्व किधर होता है दोस्तों? आपको पता है पूर्व इधर होता है। कितना चला है दोस्तों? 9 किलोमीटर चला है। फिर 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर, दक्षिण कहां होता है? दिशा दोस्तों नीचे होता है, तो दक्षिण की ओर कितना चल दिया दोस्तों? 12 किलोमीटर। समझ में आया? बोल रहा है उसके प्रारंभ और अंतिम बिंदु से, देखिएगा प्रारंभ और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि यहां पे आया है, यहां पे ये वाला जो दूरी है ना, ये वाला दूरी ये पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, यहां पे मुड़ा कितना है दोस्तों? 90 डिग्री। जब 90 डिग्री मुड़ा है तो ये आपका आधार हो जाएगा, ये आपका लंब हो जाएगा, होगा कि नहीं, क्लियर है। तो और ये आपका जो दोस्तों ये वाला दूरी है, ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये वाला दूरी, ये दूरी आपका कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण बराबर होता है क्या है दोस्तों? अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81 होता है। 12 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? 144 होता है। तो 144 और 81 दोस्तों जोड़ेंगे तो क्या होगा? 225 होगा, आप जोड़ के भी देख सकते हैं। और अंडर रूट 225 का मान क्या होता है दोस्तों? 15। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ये वाला दूरी क्या होगा? 15 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा,
जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व करते। पाइथागोरस प्रमेय बराबर होता क्या है दोस्तों, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी कर्ण बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा, अंडर रूट आपका आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यही तो होता है, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। यहां पर हम समझा देते हैं, जो ये दो चीजें दी रहती है ना दोस्तों, इसका स्क्वायर करके अंडर रूट में कर दीजिए, जो मान आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल भाषा में आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो 15 किलोमीटर देखिए किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में है। आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए, और एक बात और बता दूं दोस्तों, अभी तक आप लोग टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किए हैं तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, इन सब की पीडीएफ भी हम वहां प्रोवाइड कर देंगे। और टेलीग्राम को ज्वाइन कैसे करना है हम आपको बता दूं दोस्तों, टेलीग्राम पे जाइएगा, एसएससी मेकर सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूं। आप फेसबुक पेज से भी जुड़ जाइएगा, जो नए स्टूडेंट है अभी तक इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे नहीं फॉलो किए हैं तो इंस्टाग्राम पे भी एसएससी मेकर सर्च करके जरूर फॉलो करिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। वहां से भी आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा छठवां क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम आपको बता दें दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका आंसर क्या करना है दोस्तों, आप सभी दोस्तों को कमेंट करके बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। हम देखेंगे दोस्तों कितने लोग इसका सही आंसर दे रहे हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, आप लोग इसे कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताइएगा। और इतना दोस्तों हम आपको बता दे रहे हैं, बस थोड़ा सा हिट दे दे रहे हैं, ये पाइथागोरस प्रमेय पे ही सॉल्व होगा, ठीक है। तो हम देखेंगे कितने लोग सही आंसर कर रहे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको बताएंगे दोस्तों और देखेंगे कितने लोग इसमें इसका सही आंसर दिए हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मन लगा के प्रिपरेशन करते रहिए। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।